वैसे भी वीडियो में थोड़ा बहुत आगे बढ़े हम, मैं सभी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ दिल से। भाई लोग जो भी चैनल पर नया है, जिसने सब्सक्राइब किया है पिछले वीडियो में, थैंक यू ब्रो। फाइनली 15,100 सब्सक्राइबर हो गए हमारे बहुत दिनों के बाद। आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे से वीडियो पूरा देखना। और वैसे भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम। और मेरे प्यारे भाइयों, वी आर बैक, वेलकम बैक बॉयज, वेलकम बैक। एक और नया दिन, ऑफ कोर्स एक और नया ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। और मैं सो आज का ये वाला गेम प्ले वीडियो पूरा देखना, आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, वरना एंजॉय करके जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी गेम प्ले में थोड़ा बहुत आगे बढ़े हम, उससे पहले आप मेरा पैर पुजा रही है रैंक देख लीजिए एक बार। क्राउन एक से लिया था हमने, और अभी आपके रैंक सामने ही है। एज मास्टर होने वाला है, और 30 पॉइंट में एज मास्टर हो जाएगा, और कोशिश करेंगे भाई का कर कौंकर लगा रहे। और वैसे भी आप लोग भी अपना रैंक वगैरह कमीशन में बता दीजिए। और बिग शाउट आउट प्लस बुलर 69 ओपी, अरे भाई भाई क्या ही नाम है भाई का, भाई स्कोर में 97 रैंक में, एक बार ओपी हो जाए चैट में। और वैसे भी एक और भाई हमारे हैं जिनका कौंकर हो चुका है स्कोर एपीपी में, भाई का रैंक अभी 130 है, भाई साहब ओपी हो जाए यार, लौंडे बहुत हरामी है, स्कोर में कौंकर लगा रहे हैं, वो भी स्कोर एपीपी हैकर और वॉट। तो मुझे तो चक्कर आने लगता है, अभी भी खेलता हूँ तो मैं। और वैसे भी सभी को बधाई ढेर सारी, जिंक भाई का कॉन्कर हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे गेम प्ले की बात करें हम, इसी ने ज़्यादा पीछे अपने मॉन्स्टर लग चुका है, जो कि कोशिश कर रहा है अपनी पेटी बनाने की, लेकिन बचना तो पड़ेगा अपने को, मॉन्स्टर को पेल गए, नहीं तो मॉन्स्टर हमको ही पेल लेगा। और वैसे भी गेम प्ले में सीन ऐसा था, अभी बंडे आ रहे थे 5, और अपने को मालूम चल गया था कि इस वाले मैच में है फ्रेश हैकर, जो कि ऑफकोर्स लॉबी डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपने क्रिफी में नाम देख लिया होगा फ्लैश हैकर का, और मैं सो कमेंट में बता देना कि आपके भी मैच में ये वाला हैकर आया था क्या। आप लोग लैंग कुछ कर रहे होंगे तो मैं सर आपको ये हैकर मिला ही होगा। लेकिन अभी सीन ऐसा था, रात के 3 बजे गेम प्ले है, और इस मैच से पहले मेरा लैंग था 490 या 99 था, कुछ तो था याद नहीं आ रहा मुझे। और मुझे कुछ भी करके इस मैच में 10-12 का प्लस लेना था, मतलब 10 था मतलब मेरा लैंग मतलब 300 के या 450 के पास आ जाए, रात के 3 बजे गेम प्ले है, और मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था क्रिफिर के ऊपर या बंडे के ऊपर। और जब मेरी नज़र गई ना क्रिफिर के ऊपर, और देखा ले भाई इतने कम आलाई हुए, और इस बंडे का नाम इतना आला था, एक काला यूज का बहुत बड़ा नाम आला था क्रिफिर पे, तो उसके बाद मैंने हिल वगैरह उठाना शुरू किया, फिर भी कोई ना, हमने तो 1500 उठा ही लिया था। और वैसे भी हमें पहले मांग रहा था ना, तो कम से कम 40-50 उठा लेते कहीं से। आप लोगों को मालूम है यूएन पे लूट मिलता है अच्छा खासा, यूएन पे चले जाते और नीचे ही नहीं आते, तो फिर इजीली अपने पास हो जाता 50-60 हेलकिट वगैरह, आपको मालूम ही है। तो अभी सीन जाता अपने पास तो हेलकिट ख़त्म हो गए थे, और मुझे मेरकरी पहले लगाना चाहिए था, लेकिन लास्ट में लगाने की मैं कोशिश को किया कि कॉस अपनी पेटी बन गई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत हुई, अपनी जोन के बाहर फिनिश हो गया अपन, लेकिन फिर भी अपने को 12 का प्लस मिल गया। ये हमारी पिछली आई थी जिसमें हमने कॉन्कर लगाया था गोल्ड से, लेकिन सीन ये हो गया था कि भाई ने 5 मैच खेला ही नहीं कॉन्कर फिल्म के लिए, तो मुझे फिर से भाई आई में कॉन्कर लगाना पड़ा। आप लैंग दे सकते हो 400 के करीब आ गया था, और वैसे भी आज मॉर्निंग को भाई को कॉन्कर मिल गया, और भाई का हमने 5 मैच खेल के भाई को फ्रेम भी कलेक्ट कर लिया। और वैसे भी इट्स 6:26 PM, और ये भाई मेरे मोबाइल को क्या हो गया यार, जब हेडफोन कनेक्ट करता हूँ ना तो फिर अपने आप टाइम बताने लगता है अपने को, चलो कोई ना। तो ये भी सीन ऐसा था, अपने यहाँ पे 0 किल थे, और ये भी 80-85 लॉबी आई हुई थी। और वैसे भी ये वाला गेम प्ले आज शाम का है, और इसमें तुम्हारा भाई अच्छा खासा 2 मिनट करने वाला है, तो मैं सर अभी इंजॉय करना आप। और उसके बाद तुम्हारा भाई आ गया था जोन में, और जोन में मैं देख रहा था कहाँ अपने व्हीकल लुकाना चाहिए, कौन सी अच्छी कैसी पोजीशन है, और कहाँ पे लौंडे हैं। तो यहाँ पे मुझे भाई स्पॉट हुए, जो कि आपको भी दिखाई दिए होंगे, और अच्छी कैसी लॉबी में यही सीन रहता है, बहुत से बंडे व्हीकल घुमाते रहते हैं। तो मैं फिर से मैं पीछे गया, सल्लू भाई की ओपी ड्राइविंग ऑलवेज, और भाई को मैं यहाँ पे इजीली पेल लिया, सामने बगी अपने आइए, 1 किल से 2 निशाने हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे अपने 2 किल मिल गया था। और नेक्स्ट वाला जोन भी अपने पर मेहरबान हो गया था यार, जोन अपने बाजू में ही था, तो यहाँ पर पड़ी था कि मैं चेक किया कोई आजू बाजू में है कि नहीं अपने, और अपने दुआई से हमेशा की तरह थोड़ा बहुत फ्रेम थोड़ा फोड़ रहा था, जो कि कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर एक व्हीकल लगी हुई थी, तो पहले मैंने चेक किया कोई है कि नहीं, लेकिन भाई के यहाँ पर पेटी बनी हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। और तभी एक सामने व्हीकल आ जाती है, तो मैं सर अभी इंजॉय कीजिए फाइट, लेट्स गो।
Oh my God, ghost lighter in the house, baby. मैं सुने वह कमिश्नर में हो जाए घोस्ट लाइदर इज ओपी घोस्ट लाइदर इज प्रोवाइडर ओपी बोलते अनुवेज तो भाई को हमने इजली बोल दिया और भाई को हमने जला दिया था मॉली से और मुझे भाई के लिए बुरा लगा तो मैं सुन आपको बुरा लगा हो तो लाइक कर लो तो वैसे भी हमें अपन जो के कोने में थे थोड़ा देर स्किप करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं तो मैं सीन आ जाता नेस्टा जोन भी क्लोजिंग हो गया था और लकीली अब नेस्टा जोन के बाजू में थे और मुझे सामने दिखाई दी एक व्हीकल आती हुई जिसको आपको एक बंदे ने उतार दिया था तो मुझे क्या लग रहा था उसमें और एक बंदा होगा कोई था नहीं चलो कोई ना और ये देखो मेरे दोस्त अपने आप मुझे टाइम बता रहा है एयरफोन की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है सीन आपके साथ हुआ तो मेरे कमेंट में बता दीजिए मुझे उसका कोई सोल्यूशन तो उसके बाद सामने से ये व्हीकल बग्गी तो यहाँ पे सीन आ जाएगा तो भाई ने फाइल लिया पहले और सामने भाई कॉल में चले गए और पीछे से एक और बग्गी आई और भाई ने अभी बुलस मारा था लेकिन भाई को हमने इजीली पेल लिया और यहाँ पे अपने लकीली चार की रो गए थे और यहाँ पे तो भाई ने सामने भाई को नेर फेंक रहा था लेकिन किसी और भाई ने सामने भाई की पेटी बना दी जो कि आपको बढ़िया ही हुआ अपने लिए वरना सामने भाई अपने को बहुत ज़्यादा टोचन दे सकते थे क्योंकि भाई के पास कवर था वगैरह बढ़िया अपने पास कुछ था ही नहीं सिर्फ व्हीकल का कवर था जो कि व्हीकल पर नेर फूटता है तो व्हीकल उड़ जाती है तो मैं सीन ऐसा हुआ मैं यहाँ पर आ गया और नेक्स्ट जो क्लोजिंग हो रहा था और अपन लकीली नेक्स्ट जो बाजू में सोए हुए थे आराम से और मेरे सामने एक बगी दिखाई दी जिसके पास मैं इसको ओपनिंग करके देख रहा था मुझे लग रहा था वहाँ पर कोई ना कोई होगा लेकिन लकीली वहाँ पर कोई होता नहीं है और आजू बाजू में फाइट वगैरह हो रहा था तो मैंने यहाँ पे व्हीकल में स्मोक कर लिया और सामने एक और व्हीकल फाइट इंजॉय ना हो तो ये भी सामने भाई को तुम्हारे भाई ने थोड़ा भी चांस नहीं दिया हल्का फुल्का भी भाई को हमने इजीली पेल लिया और यहाँ पे स्मोक का तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत फायदा उठा रहा था हल्का फुल्का और बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई ने स्मोक किया ना तो सीन ऐसा था तुम्हारा भाई पहले खेलता था ना पबजी मोबाइल में कैम करता था इतना भाई भाई 10-12 स्मोक उठा के खेलता था मैं सिर्फ स्मोक ही खेलता था ये एमो उठाता ही नहीं था खेलना ही नहीं आता था मुझे BCPS डिवाइस में वैसे भी पुराने दिन यार आ गए तो मैंने फिर से स्मोक किया अपनी हाकों में ही व्हीकल में पूरा स्मोक कर लिया यहाँ पे धुआं धुआं और थोड़ा बहुत लूट उठाने लगा बग्गी वाले भाई से उस भाई की हमने पेटी बनाई थी कई भाई को पहला था यहाँ पे लेकिन तो मैंने स्मोक को उठा लिया था और कि यहाँ पे लौंडियाबाज लौंडे थे जो कि अपने ऊपर नेट कर रहे थे भाई जो कि बहुत हरामी थे लेकिन भाई ने कोशिश बढ़िया किया था एक और नेट करते तो अपनी लकड़ी पेटी बन जाती लेकिन वैसे होता नहीं मेरी जान और उसके बाद नेक्स्ट जोन भी क्लोजिंग होने वाला था 5 सेकंड ही बाकी थे और ऊपर भाई नेट वगैरह कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल जाते हैं और आगे ये पोजिशन वगैरह निकालेंगे और ये भी 4 बंदे अभी अलाइव थे तो ये अपना चिकन का चांस थोड़ा अच्छा खासा बढ़ गया था क्योंकि तुम्हारे भाई के पास लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट था और कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए तो पहले मैं व्हीकल घुमा के देख रहा था कोई बंडा अपने आजू बाजू पे सोया ना हो नहीं तो नागिन को नागिन ही दस्ता है भाई अपने को इजली पेल लेने दे और तुम भाई नागिन भी है सपेरा भी आप जो भी बोलिए तो नीचे एक भाई थे जो रोजा वाले जिन्होंने सामने वाले बंडे को इजली पेल लिया जो कि M4 जब फाइल वगैरह ले रहे थे तो मैंने नेर कुक करने वाला था लेकिन भाई को इजली पेल लिया सामने वाले भाई ने तो मैं सीने चाहता सामने वाले रोजा वाले भाई के पास नेस्ट जो चला गया था यहाँ पर पहले तुम भाई ने स्मोक किया एक और नेर भी कुक किया और उसके बाद जो क्लोजिंग होने वाला था और तुम भाई ने व्हीकल का सहारा लिया व्हीकल घुमा के चेक कर रहा था मैं क्योंकि अपने को पोजिशन मालूम नहीं था कि कहाँ कहाँ होंगे नागिन बन के जाऊँगा तो इजीली पेल दिया जाएगा तो मुझे एक भाई पत्थर के पीछे दिखाई दिया अभी और एक भाई जो कि सबको अपने को फाइल लिए तो यहाँ पे पहले रुक गया मैं और यहाँ पे सामने भाई अपने को दिखाई दे रहे थे लेकिन यहाँ पे अपने जोन में नहीं थे तो पहले तो भाई जोन के अंदर आया और उसके बाद सपेला बन गया जो कि लास्ट जोन में सपेला बनना पड़ता है मेरी जान वरना चिकन नहीं मिलता सोलो में और सोलो का यही सीन है जो बंदा पिछले बंदे को पेलता है एग्जाम्पल आपके आँखों सामने मुझे वो भाई दिखाई दिए थे लेकिन मैं नीचे जा रहा था आराम आराम से क्योंकि अपने को उस भाई से फाइट लेना नहीं था मैं उस भाई को पेलूंगा तो नीचे और भाई अपने को पेलेंगे उस हिसाब से तो भाई इजीली खेल रहा था आराम आराम से एक नंबर तू अभी सामने और एक गुरुज वाला भाई ने M7 सिस्टम वाला भाई को इजीली पेल लिया और यहाँ पे तुम्हारा भाई नागिन बोलते पहला बोलते जो भी बोलते यहाँ पे गुरुज वाला भाई को इजीली धप्पा देगा चिकन ले लिया और मैं सर आपको ये गेम प्ले कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर लो यार सब्सक्राइब कर लो क्या दिक्कत है लाइक भी कर लो बढ़िया लगा तो और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख के जाना चिकन ओपी हो गया कुछ भी हो गया और मैं सर आप देख सकते हो आपको आँखों सामने इस मैच में आप लोग कितना प्लस मिला था और मिलते हैं कल गेम प्ले बढ़िया लगा तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं कल अगेन बाय बाय 31 का प्लस मिला मेरी जान 31 का।